टू ऑलून से लाइव हो जाए तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में पिन करके बता दीजिएगा so हाँ जी तो चलिए जरा करते हैं क्लास की शुरुआत बड़ी नींद शींद आ रही है क्या बात है आप हाँ? ओके okay. आजा और जरा करते हैं आगाज और जरा देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आज आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीडली सॉल्व करते हुए चलेगा सो so दैट हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लें ठीक है ये पार्टिकुलर सेशन जो है ये आपके मोस्ट रिपीटेड जीएस क्वेश्चन के ऊपर रहने वाला है यानी कि आप किसी भी एग्जाम को अगर उठा के देखो तो हर एग्जाम में जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पे कवर किया जाएगा ठीक है चलिए वेरी गुड आफ्टरनून

जय हिंद वेरी गुड आफ्टरनून इसके अंदर टोटल आपको कितने खंड देखने को मिलते हैं दस दस खंड मिलते हैं कुछ का बाईस आ रहा है भैया बाईस तो ऑप्शन में भी नहीं है कौन सा बाईस लगा दिए इसका करेक्ट आंसर होगा टोटल ट्वेंटी टोटल ट्वेंटी खंड आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके से कई बार सवाल पूछा जाता है उपनिषद के बारे में तो ये भी याद रखिएगा और अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा होता है तो सबसे पुराने वेद की अगर हम बात करें तो वो कौन सा होगा वो हो जाएगा ऋग्वेद नेक्स्ट पॉइंट अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि ये जो ऋग्वेद है या ये जितने भी वेद हैं चार वेद हैं ये कौन सी सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में किसके बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में ये बात करते हैं अगला सवाल एज पर दिंदू सक्सेशन एक्ट नाइनटीन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है कोई प्रॉपर्टी है अब वहां पर अगर जैसे होता है ना कई बार कि कोई फीमेल है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है या मान लीजिए कि हस्बैंड है उसकी वाइफ की डेथ हो गई है तो उस कंडीशन में उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर अधिकार किसका होगा इस कानून के हिसाब से हाँ जी हिम्स जो है वो वन जीरो टू फोर है हिम्स की बात अगर हम करें तो वो वन जीरो हिम्स हिम समझते हो क्या होता है जो लाइक like, आप लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो उसमें वो जो श्लोक वगैरह होते हैं उनकी बात की जाएगी हिम्स में हाँ जी तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी आधे तो मन में सोच रहे होंगे मैम किसी की भी हो लेकिन रहेगी तो अपनी है ना हस्बैंड की होती है अच्छा बिल्कुल सही जवाब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका राइट right आंसर बनेगा हर हसबैंड बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आजकल आपके एग्जाम में आते हैं आप तो बोलेंगे कि अरे मैम ये तो सेल्फ एक्सपीरियंस है ये तो हम अपने आसपास हमेशा ही देखते रहते हैं है ना चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई बताए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय अभियान ये एक क्या है अभियान है एक योजना है क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए इसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो टोटल कितने कॉम्पोनेंट होते हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है जैसे कि आपने अभी हाल ही में पीएम ग्रामीण योजना के बारे में भी सुना होगा उसके अंदर भी केजीज के हिसाब से वेट के हिसाब से जो ग्रीन है वो दिए जाते हैं यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कॉम्पोनेंट कौन कौन से होंगे बताइए कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से होंगे फाइव कॉम्पोनेंट्स होते हैं अच्छा फाइव कॉम्पोनेंट्स होंगे बिल्कुल गलत जवाब इसका करेक्ट आंसर होगा तीन कंपोनेंट्स होते हैं अगला सवाल वट इज द नट ऑफ एन ऊप ट्री कॉल्ड ऊप ट्री का जो नट होता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए बोले हम्म इसे हम कहते हैं चेस्टनट अच्छा चलो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कौन प्रभु क्या हो गया है आज कैसे आंसर अच्छा एक दो का करेक्ट आया है चलो गरी मत है कि एक दो का करेक्ट आया है नेक्स्ट पे आ जाओ आज थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ठीक है चलिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इन द कंट्री एज पर देंसिस टू थाउजेंड इलेवन टू थाउजेंड के सेंसिस के हिसाब से आपको यहाँ पे रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन बतानी है टोटल पॉपुलेशन के ऊपर कितनी है टोटल पॉपुलेशन के ऊपर कितनी है, okay. 74 है. अच्छा सेवेंटी फोर परसेंट है सेवेंटी फोर पॉइंट फाइव सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो चलो इसका करेक्ट आंसर होगा सेवेंटी फोर पॉइंट जीरो करेक्ट है बिल्कुल सही जवाब अगला क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि बताइए ग्रीको रोमन ठीक है ग्रीको रोमन इनमें से कौन सा ऐसा लाइक like, नाम है बहुत ज्यादा फिशिंग कॉलोनी जहां पे आपको क्या मिलते हैं बहुत ज्यादा फिशरी के कॉलोनी जो है वो देखने को मिलते हैं और ये कौन से टाइम की बात हो रही है ये बात हो रही है ग्रीको रोमन टाइम की ग्रीको रोमन टाइम पे इंडिया के अंदर इसमें से कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे फिशरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जहां पे फिशरी पोर्ट्स देखने को मिलते हैं मुझे पता था जहां लोथल लिखा होगा आप लोथल के साथ ही जाओगे अरिका मेडू अरिका मेडू अरिका मेडू के साथ भी कुछ जा रहे हो कुछ लोग लोथल के साथ ही जाएंगे अच्छा चलो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अरिका मेडू क्या होगा अरिका मेडू बेटा यहाँ पे जरा ध्यान दो ग्रीक और रोमन टाइप की बात हो रही है है ना इनके टाइम की बात हो रही है अगर यहाँ पे ये नहीं लिखा होता अगर इंदस वैली लिखा होता तो आप आंसर लोथल करते ना इनके टाइम का लोथल से कोई लेना ही देना नहीं लोथल जो है वो तो सिंधु सभ्यता का है अगला सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होते हैं ये क्या होते हैं वॉजस्टॉक होते हैं मतलब इनकी जिम्मेदारी होती है कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होंगे वो बिल्कुल फेयर तरीके से होंगे ये इनकी जिम्मेदारी होती है ठीक है अब ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सवाल में कहा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर इसको बनाया गया है कौन से आर्टिकल के अंदर इसको बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताइए आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर थ्री ट्वेंटी फोर के अंदर आपको ये मिलेगा करेक्ट है बिल्कुल सही जवाब अगला सवाल आफ्टर महात्मा गांधी रिलीज ध्यान से महात्मा गांधी रिलीज फ्रॉम द प्रेजेंट इन जनवरी 1931 कांग्रेस लीडर मेट एट टू प्लान द फ्यूचर कोर्स ऑफ द एक्शन सवाल में कहा जा रहा है कि जब महात्मा गांधी जी को रिहा किया जाता है जेल से जनवरी 1931 के समय पर उसके बाद में जितने भी लीडर्स थे वो सब के सब आपस में कहां पे अपनी बैठक का आयोजन करते हैं कि इसके बाद में हमें किस तरीके से प्लान को लॉन्च करना है जैसे कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कलकत्ता कलकत्ता अच्छा कुछ लोगों का आंसर लाहौर बिहार लेकिन एक्चुअल में सबके सब गलत हैं इसका करेक्ट आंसर होगा अलाहाबाद अभी बोलेंगे सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी आज तो माम सब गलत हो रहा है मैम अपॉइंटमेंट हुआ है? नंबर के हैं चंद्रचूड़ यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन सिंपल है यहाँ पे फुल फॉर्म लिख गया है बस क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना बदलेगा फुल फॉर्म लिखा हुआ है इससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ है चले नेक्स्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक केमिकल फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक आज आपका स्पेशल क्लास नहीं है मैंने आपको सुबह ही बता दिया था और आपका कल से जो स्पेशल क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा स्पेशल क्लास का जो समय है वो शाम को तो चार बजे रहेगा यानी कि इस क्लास के जस्ट बाद में ए एस ए एस इसका आंसर बनेगा बिल्कुल सही जवाब ए एस इज द करेक्ट आंसर अगला राजीव राम इनका नाम टेनिस के साथ में जुड़ा हुआ है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये हम नहीं बताएंगे बताओ इसका आंसर तो देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया सब आ गया पूरी दुनिया घुमा दिए कुछ रह नहीं गया चलो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यूएस इज द राइट आंसर आधे तो ढूंढ रहे होंगे कि मैम इसमें इंडिया क्यों नहीं लिखा हुआ है है ना आधे तो ढूंढ रहे होंगे कि मैम क्वेश्चन ही गलत है ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं इसके अंदर इंडिया लिखा होना चाहिए था अगले सवाल पे आइए विच वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉर्डेट्स आपको बताना है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लिखा हुआ है कॉर्डेट्स नाम से तो इंडियन ही लग रहा था कुछ भी कहे मैम बताइए नाम के हिसाब से वही वही वाली बात होगी ना कि कई बार किताब को हमें उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए कई बार किताब के अंदर का जो कंटेंट होता है ना वो भी अच्छा लिखा होता है बताओ नोटोकॉर्ड 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 बिल्कुल सही बात नोटोकॉर्ड अगला फॉर विच ऑफ दी टीम इज द फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री प्लेड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन 2021 के अंदर इंडियन फुटबॉलर जिनका नाम है सुनील छेत्री इन्होंने कौन सी टीम के लिए खेला था अभी हाल ही में कप भी हुआ था ये जो कप हुआ था कहां? वेस्ट के अंदर कौन सा एडिशन था वन एडिशन था इसके अंदर जो टीम जीती थी वो थी बेंगलुरु और बेंगलुरु के कैप्टन कौन थे सुनील छेत्री एफसी गोवा अच्छा चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है बैंगलुरु इसका करेक्ट आंसर बनेगा ठीक है चलो नेक्स्ट आओ बताओ मकर फेस्टिवल मकर विलेक्कू फेस्टिवल ये फेस्टिवल कौन से सेट में मनाया जाता है ये फेस्टिवल लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है एफसी गोवा वालों बैंगलुरु होगा इसका आंसर देखो एक तो रहे ओनम फेस्टिवल एक रहे विशु फेस्टिवल एक रहे यहाँ पर कौन सा मकर विलेकु फेस्टिवल तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बनेगा केरला जब भी हम बात करेंगे इस फेस्टिवल के बारे में तो यहाँ पे आपको सबरीमाला टेम्पल जो है सबरीमाला जो मंदिर है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा सबरीमाला टेम्पल ये पेरियार रिवर के पास में आपको मिलेगा केरला के अंदर लोकेटेड है ये हर बार सुर्खियों में रहता है क्योंकि यहाँ पे विमेन्स की एंट्री को अलाउ नहीं किया गया था इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा है अगला सवाल ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड इन द पेट्रोलियम कैन कॉज कोरोजन टू ऑफ इंटरनल कंबेशन इंजन एंड रिफाइनरी सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर इसमें से कौन सी ऐसी चीज प्रेजेंट होती है जो क्या कर सकती है इंटरनल पार्ट जो होते हैं उनको हार्म पहुंचा सकती है कई बार आपने देखा होगा कि जिससे जो डीजल वगैरह होता है कई बार डीजल के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें मिली होती हैं, जिसकी वजह से इंजन जो है वो बहुत जल्दी भगवान को प्यारा हो जाता है, है ना तो वो कौन सी चीज होगी डी सल्फर अच्छा सल्फर करेक्ट है सल्फर अगला which of the following is the theme of the international day for the monuments and the site 2021 सवाल में कहा जा रहा है कि मॉन्यूमेंट एंड द साइट के लिए एक दिन सेलिब्रेट होता है बोला जा रहा है कि ये बताइए उसकी थीम ये जो मॉन्यूमेंट एंड इतना लंबा सा नाम लिखा है ना इसको सीधे हम हेरिटेज डे भी बोल सकते हैं हेरिटेज डे भी बोला जा सकता है बताइए ए होगा शेयर्ड कल्चर शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयरिटी दूसरा है रूरल लैंडस्केप तीसरा है हेरिटेज फॉर द जेनरेशन चौथा लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स पास डाइवर्स फ्यूचर कौन सा करेक्ट होगा अच्छा इसका राइट right आंसर क्या होगा कॉम्प्लेक्स पास मैक्सिमम बच्चे इसके साथ में चले गए लेकिन ये तो खेल हो गया ये तो खेल हो गया हा? चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं अगला सवाल इनमें से आपको बताना है कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है जिसकी वजह से बैड लैंड बनता है बैड लैंड क्या हो गया कोई एक ऐसी जगह जहां पे अच्छी खासी फसल नहीं हो सकती उसे हम बैड लैंड बोलते हैं आपको बताना है कि इसका करेक्ट रीजन क्या होगा स्कैंटी रेनफॉल सॉइल इरोजन यानी कि अपर्दन

इसका करेक्ट आंसर क्या है सॉइल इरोजन होगा बिल्कुल सही बात है अपर्दन जो होता है उसकी वजह से जो मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ में बह के चले जाते हैं जब पानी के साथ वो बह के चले जाते हैं तो वो उसको रिटेन नहीं कर पाते और जब रिटेन नहीं कर पाते तो ये सब हो जाता है वट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला दिस इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है मटेरियल अरे गजब देखो तो आपको बताना है कि किसका फॉर्मूला है इथेनॉल का फॉर्मूला है ये अच्छा मीथेन का तो नहीं है मीथेन तो हम सभी लोग जानते हैं सी एच फोर हो जाएगा बाकी बचा यहाँ पे एसिडिक एसिड इथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म किसका फॉर्मूला होगा इथेनॉल का है चले इसका करेक्ट आंसर क्या है इथेनॉल का फॉर्मूला है अगला विच ऑफ दी फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड डेड डी वेंकट स्वामी नायडू प्ले डी वेंकट स्वामी नायडू के द्वारा इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्ले किया जाता है जिसको प्ले किया जाता है बताइए जिसको प्ले किया जाता है कल से आपके स्पेशल क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे और स्पेशल क्लासेस में आपके थ्योरी जीके के टॉपिक जो हैं वो चलेंगे बारह बजे का क्लास जो बच्चे अभी नहीं देख रहे हैं बाद में मत बोलना कि मैम इसकी एक सीरीज चला दो ये है वो है अभी पढ़ा रहे हैं तो अभी आप क्लास देखते नहीं हो बिल्कुल वैसी वाली बात है जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तो आदों को होश नहीं था अब इतने सारे मैसेजेस मेरे पास में आते हैं हर दिन के हिसाब से कम से कम पाँच या छः मैसेज आते हैं मैम क्या एन पढ़ना ज़रूरी है या वो ये मैसेज करेंगे कि मैम आपने जो वन सपोनर टाइम इन हिस्ट्री एन पढ़ाई थी उसका लिंक दे दीजिए अब बताओ अब यही और बचा हुआ है कि लिंक ढूंढ ढूंढ के हम शेयर करें इसका करेक्ट आंसर, क्या है? इस करेक्ट आंसर। बीना नहीं होगा अगला सवाल बताइए का लेवल है वो 4.5 परसेंट रखा गया है जीडीपी का ये कौन से के लिए बताया गया था आज समय बहुत गलत हो रहे हैं क्वेश्चन ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका सीचीएल एमटीएस, रेलवे सब में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं आपके ये बेटा सारे क्लास यूट्यूब पे ही चलते हैं सिर्फ आधे घंटे का क्लास वो भी कल से शुरू होगा आसू में मासू आ रहा है अरे भैया 2005 से 2026 2025 से 2026 यानी कि अगले जो like, आपका वाला जो आपका वाला या चार साल का टेन्योर होगा उसके बाद का यहाँ पे पूरा एस्टिमेशन किया गया है। ये सबसे आसान सवाल है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है क्योंकि ये क्वेश्चन हर पेपर के अंदर आपको तो मिलता है सवाल में कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर संविधान सभा के अंदर जब फ्रेमिंग की गई थी तो टोटल कितने वीमेंस आपको देखने को मिले यही है मैम क्वेश्चन ऑफ द डे एक यही सवाल था जो हमें आज आता था मैम इसका करेक्ट आंसर होगा क्या बनेगा राइट आंसर अगला ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्वेंटी फोर डेज ऑफ द लाइफ पर वन थाउजेंड बर्थ इन ईयर और सवाल में कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए ट्वेंटी एट क्या है इस तरीके से लिखा जाए तो हम इसको क्या कहते हैं इंफेंट मोर्टैलिटी क्रूड मोर्टैलिटी न्यू नेटल मोर्टैलिटी या एज स्पेसिफिक मोर्टैलिटी इसे हम क्या कहेंगे न्यू नेटल पढ़ा चुके हैं हम ये कोई ये नहीं कह सकता है कि मैम ये पढ़ाया नहीं है और आपने सवाल पूछ लिया है पढ़ाई हुई चीजें नियोनेटल श्योर है नियोनेटल होगा चलो ठीक है नियोनेटल इज द करेक्ट आंसर आज का दूसरा सवाल जो मैम हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से आता है राइट टू एजुकेशन के अंदर चिल्ड्रंस को राइट टू एजुकेशन जो दिया जाता है उसके लिए एक एक्ट बनाया गया सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इस एक्ट को कब से लागू किया गया ये जो आर है यानी कि राइट टू एजुकेशन है इसको बनाया गया 2009 में और कर्नाटका से इसको लागू किया गया अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट है और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो ये हो जाएगा और अमेंडमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा अब आपको बताना है लागू कब हुआ था दस में हाँ नौ में एक्ट बना है तो दस में ही लागू हुआ होगा मैम कैसी बातें कर रही हैं आपका सवाल ही गलत है मैम सवाल ही गलत है आपका होशियार बच्चे हो तुम लोग बहुत होशियार हो गए चलो इसी बात ये बताओ ये देखो यहां बेचारे की खिचड़ी पक गई है कोई बात नहीं अभी हम बताते हैं क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है देखो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि माउंटेन्स में लाइन नोन एज रेंज यानी कि जो माउंटेन्स होते हैं अगर वो एक लाइन में अरेंज होते हैं तो उनको हम उन रेंज कहते हैं अरावली जो है वो इंडिया के अंदर है और ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है ठीक दूसरा लिखा हुआ है कि केलीमन जारो जो है वो साउथ अमेरिका के अंदर है और ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है आपको बताना है इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है कौन सा वाला करेक्ट है बताइए ऑप्शन छोड़ दो ऑप्शन छोड़ दो बस ये बताओ कौन सा करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं ओनली 1 एंड 2 अच्छा ओनली 1 एंड 2 क्यों भाई 3 ने क्या बिगाड़ा है इसका आंसर होगा ओनली 1 एंड 2 3 क्यों नहीं होगा भाई किलिमंजारो जो है वो तो अफ्रीका के अंदर है तंजानिया में जारो जो है वो साउथ अमेरिका में थोड़ी ना है आज ही तो साउथ अमेरिका के बारे में सुबह आपको सात बजे पढ़ाया ही था मैंने हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक सोशल हार्मनी सोशल हार्मनी किताब किसके द्वारा सोशल हार्मनी बताए मोदी जी के द्वारा लिखी गई है अच्छा बिल्कुल सही जवाब मोदी जी के द्वारा लिखी गई है वैसे यूजुअली अगर हम लोग देखें तो एग्जाम बोरेरी हमें पता रहती है ये किताब बहुत रेयर केस में पता होती है अगला सवाल हैविंग अ प्रोविजन फॉर द बाई कैमरल पार्लियामेंट इज सेकेंड फ्रॉम सवाल में कहा जा रहा है कि इंडिया के अंदर ये जो दो सदन की व्यवस्था होती है इसको इंडिया ने कहा से लिया है इसको इंडिया ने कहा से लिया है दो सदन की जो व्यवस्था होती है यानी कि लोअर हाउस एंड अपर हाउस ये कॉन्सेप्ट कहां का है ब्रिटेन का है इंडिया ने मैक्सिमम चीजों को लिया है कहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव से लेकिन ये जो आपका पार्लियामेंट वाला पॉइंट है ये लिया गया है कहां से ब्रिटेन से दैट इज यूके से है ना ऋषि सोनक जी को अभी पीएम बने हुए दो से तीन दिन भी नहीं हुए थे और वहां पे अभी से खलबली जो है वो मच चुकी है अब देखना ये है कि सरकार टिकती है या गिरती है इनके दिन अच्छे नहीं चल रहे अब हमको लग रहा है कि एक कोई ना कोई भेजना पड़ेगा इंडिया से जो सीधे जाके वहां पे सीधे क्या बन जाए पीएम बन जाए है ना अब पीएम के लिए वहां पे कोई एस कोई सारे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन तो है नहीं है ना एक का तो हम सोच रहे हैं तुम्ही लोगों में से किसी को भेज दें है ना हमें लग रहा है एक का तुम में से ही किसी को भेज दिया जाए तुम में से ही कोई बन जाएगा यहाँ पे तो

कोई कह नहीं सकता है कि मैम ये आपने पढ़ाया नहीं है ठीक है पूरा वीडियो दिखाया था कि उसमें क्या होता है एक मैन होता है जो क्या करता है बफेलो को दौड़ाता है पूरा इस तरीके से गैलरी जैसा होता है उसको बनाया जाता है उसमें मड होती है मिट्टी होती है पानी भरा होता है उसमें वो दौड़ती है उसमें रेस होती है वो कौन सा फेस्टिवल है दैट इज कम कौन सा कम फेस्टिवल नेक्स्ट ओडिशा हेड डैश टारगेट फॉर द प्रोवाइडिंग द हंड्रेड परसेंट फंक्शन हाउस टैप वाटर कनेक्शन बाय ओडिशा ने हर घर जल के लिए अपना टारगेट क्या रखा है ओडिशा ने हर घर जल के लिए अपना टारगेट क्या रखा है भारत सरकार का तो 2024 है पंजाब हरियाणा का 2022 है तेलंगाना का 2023 है ओडिशा का कितना है ओडिशा का हो जाएगा 2023 से 24 क्या है 2023 से 24. अगला सवाल डैश टैंक इज एन अंडरग्राउंड चैम्बर मेड अप ऑफ कंक्रीट फाइबर ग्लास और वाटर फ्लो फॉर ट्रीटमेंट सवाल में कहा जा रहा है कि एक स्पेशल टाइप के टैंक्स बनाए जाते हैं जिससे वाटर का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके आपसे सवाल में कहा जा रहा है कि ये जो वॉटर ट्रीटमेंट के लिए अलग से टैंक्स बनाए जाते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं दिल्ली के अंदर काफी सारे बनाए गए सेप्टिक टैंक कहते हैं अच्छा कुछ का डी भी आ रहा है सेप्टिक टैंक ओके सब डी वाले हैं। सब डी वाले टैंक इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब बहुत बढ़िया तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है अब आपसे मुलाकात करेंगे हम सीधे कल सुबह सात बजे लेकिन कल से आपका स्पेशल क्लास शाम को तो चार बजे अन अकेडमी पे स्टार्ट होगा जहां पे आपके थ्योरी क्लासेस होते हैं अगेन आई एम रिपीटिंग जहां पे आपके थ्योरी क्लासेस होते हैं तो अपने साठ मिनट के शेड्यूल में थर्टी मिनट जरूर से निकाल लीजिएगा सो दैट आप उस क्लास को अटेंड कर पाए इसके अलावा ये आपका स्कॉलरशिप टेस्ट है इसका लिंक हम अभी आपको आज प्रोवाइड करा देंगे अभी दे देंगे ठीक है आप उसमें एनरोल कर लीजिएगा प्रति टेंट के साथ में और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेड बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं जो वेट कर रहे हैं कि नया वाला बैच स्टार्ट हो देन आई विल ज्वाइन तो नया वाला बैच आपका छह तारीख से स्टार्ट होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है कोड विल बी प्रति टेन बैच का नाम रैंकर्स बैच है लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एफसीआई के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैंकिंग कैटेगरी में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं कोड वही रहेगा प्रति टेन दिस इज आर टेलीग्राम प्लस बैच को ज्वाइन करने के लिए जिस पर टेन परसेंट आपको डिस्काउंट मिलता है दैट इज प्रति टेन आप वन टाइम पेमेंट या ई के साथ में इसको ज्वाइन कर सकते हैं ठीक आज चार बजे क्लास क्यों नहीं है अरे भाई बताया तो आई हैव टू टू गो सी द डॉक्टर आज आईज में पेन हो रहा है काफी ज्यादा मैंने सुबह भी बताया था आपको ये चीज पेट क्लासेस में बताया था इसके अलावा आपका जो क्लास हुआ था तो उसमें बताया था तो थोड़ी सी दिक्कत है आज आईज में मुझे लग रहा है वो डॉक्टर है ना मोटा वाला चश्मा कह ए, आप कहेगा ऐप एक काम करो आप इतने क्लासेस लेते हो तो आप मोटा वाला चश्मा लगाओ अभी तक तो सिर्फ आप रीड करने के लिए यूज कर रहे हो अब आप मोटा वाला चश्मा यूज करो उसी से आपकी आंखें सही होंगी है चलिए यहाँ पे अगली चीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है रिपोर्ट एंड इज ऑल्सो अवेलेबल आलाइए तो मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे अब सुबह सात बजे टिल देन खुश रहिए मुस्कुराते रहिए कीप लर्निंग कीप प्रिवाइजिंग सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा बाय या ठीक है